अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सामे इमरान ब्यूटी टेक्निक। ये जो आप लोग हेयर्स देख रहे हैं, इन पे आज हम करेंगे केराटिन रिबॉन्डिंग। इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, 4 माह हो गए मेहंदी लगाए हुए। हमने इनका स्टैंड टेस्ट लिया था, बेहतर थे कि इन पे रिबॉन्डिंग की जा सकती थी। अब हमने किस टेक्निक से की, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो देखनी है। और ये देखें, ये इनका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। इसको हमने किस तरीके से अचीव किया, क्या हमने टेक्निक यूज की, ये आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड करूंगी। ये इनकी फाइनल लुक थी, इनके बालों में शाइन आप खुद देख सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि ये रिजल्ट लाने के लिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आप प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करेंगे, प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप बालों को 100% ड्राई करेंगे। प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करना क्यों जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि वो बालों की क्यूटिकल्स को ओपन कर देते हैं। वैसे नॉर्मल अगर वर्जन हेयर है ना, उनकी आप वॉश नहीं भी करेंगे, क्लाइंट घर से भी वॉश करके आया गया तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे हेयर्स आते हैं जिन्होंने मेहंदी लगाई होती है, बेशक 4 माह पहले, बेशक 5 माह, 6 माह पहले, तो ऐसे बालों को आपने प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ वॉश लाजमी करना है, क्योंकि प्यूरिफाइंग शैम्पू जो है वो क्यूटिकल्स को ओपन करता है। जब तक हेयर फुल ड्राई होते हैं तब तक मैं आपको प्रोडक्ट का बता देती हूँ कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ब्रीमोड है, और ब्रीमोड में आप देखें कि ये नंबर 1 है, ठीक है। सबसे पहले आपने 1 यूज करनी है, फिर आपने 2 यूज करनी है। यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी कि 2 पहले लगा दें 1 बाद में लगा। आपने सबसे पहले 1 लगानी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रीमोड केराटिन सिल्की स्टेट रिबॉन्डिंग। दूसरी के ऊपर भी सेम यही लिखा हुआ है, लेकिन आपने 1 और 2 से पहचान करनी होगी। ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन करने के बाद कैचर लगा देंगे। यहाँ पे हेयर्स ऐसे थे इनके कि इनको हम कंघी कर रहे थे तो कंघी भी नहीं हो रही थी, कर्ली तो बाल था ही लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिजी भी था। अच्छा, यहाँ पे हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन आपने जिस तरह वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आपने थिन लेयर लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इससे भी ज्यादा थिन ले लें, लेकिन आपकी ना स्पीड फास्ट होनी चाहिए। आपने 1 इंच छोड़ के प्रोडक्ट लगानी है, और लगा के उसको मेल्सिफाई करके आपने छोड़ते जाना है, और आपने फिर इसी तरह दूसरी स्टैंड लेनी है और उस पे आप प्रोडक्ट लगाने का तरीका देख। रिबॉन्डिंग इतना इजी नहीं होता, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपके सारे बाल हाथ में भी आ सकते हैं। मटेरियल लगाना है, अपने एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे कॉम का तरीका आप लोग देखें कि मैं बालों को सीधा रख के कॉम कर रही हूँ ताकि वो स्कैल्प पे टच ना हो। उसके बाद आप अगेन लेयर लेंगी और वहां पे आपने देख लेना है कि अगर बाल आपके हाथ में ज्यादा आते हैं तो आपने उसको हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद आपने इसी तरह 1/2 इंच छोड़ना है और छोड़ के आपने मटेरियल लगाना है। यहाँ पे आप टेक्निक नोट करें कि जब मैं ये क्रीम लगाऊंगी और लगाने के बाद जब मैं कंघी करूंगी ना, तो ये चीज आपने नोट करनी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपके काम को ईजी बनाती हैं और बेहतरीन बनाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बालों को नीचे छोड़ के कंघी करेंगे ना, तो हमारी प्रोडक्ट स्कैल्प के साथ लग जाएगी। अब ये देखें, मैंने बालों को स्ट्रेट रखा है और स्ट्रेट रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ कंघी लेके आई हूँ, और अब हमने इस लेयर को नीचे छोड़ दिया। सेम इसी तरीके से आपने फुल हेयर पे एप्लीकेशन करनी है। बिगनर्स यहाँ पे गलती ये करते हैं ना कि जब एक दफा प्रोडक्ट लगाते हैं ना, जब फुल प्रोडक्ट लग जाती है ना, तो बालों की कंडीशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। उस टाइम आप लोग समझते हो कि बस बाल रिबॉन्ड हो गया, बाल जलने वाला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम से जब सारी प्रोडक्ट लगती है ना, ये ऐसे समझे कि हम बालों को ऑपरेट कर रहे हैं, बालों के हमने क्यूटिकल्स को खोल देना है, हमने खोल के बालों के बॉन्ड्स को तोड़ना होता है और अपने तरीके से उनको स्ट्रेट करके फिर उसको फिक्स करना होता है। तो वो एकदम से जब कोई चीज लगाते हैं ऊपर, तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है और उस टाइम बालों की कंडीशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है और आपको लगता है कि बाल हमारा रिबॉन्ड हो गया, बाल खराब हो रहा है, तो आप फौरन वॉश कर दे। तो यहाँ पे आप सबसे पहली गलती कर, यहाँ पे देखिए मैं बालों को चेक कर रही हूँ, मैं बालों को खींच के देख रही हूँ, इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं, ये बिल्कुल भी खिंच नहीं है। अब मजीद आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं जब बाल को इस तरीके से इलास्टिसिटी चेक करूंगी तो 2 इंच का बाल 4 इंच तक जाता है, ठीक है। हम अगर छोटा पकड़ेंगे 1 इंच का, तो वो 2 इंच तक जाएगा, तो तब आपकी रिबॉन्डिंग डन होती है।
जब आप रिबॉन्डिंग कंप्लीट होने से पहले वॉश कर देते हैं ना, तो फिर बालों का रिजल्ट कुछ अजीब सा हो जाता है। तो ना उनके पहले वाली हालत रहती है और ना स्ट्रेटनिंग वाली लुक आती है, वो एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। इसलिए रिबॉन्डिंग आप जस्ट एक्सपर्ट से ही करवाएं, क्योंकि ये ऐसे समझे कि ये वाकई में ऑपरेट है। आप ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट कर अगर आपका सही नहीं होगा तो आप बस ये आपका काम खत्म। सेम रिबॉन्डिंग में यही चीज है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाएंगे तो आपका बाल खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं कंघी कर रही हूँ और बाल थोड़ा सा ऐसे फील हुआ है कि ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज आप लोगों को जब फील होती है तो आप फौरन वॉश करवा देते हो, हालांकि ये वैसे सम टाइम हो जाता है। मैंने उसको खींच के जस्ट आपको दिखाने के लिए ये बनाया है क्लिप के आपको पता चले कि इस तरीके से आपने जहाँ पे आपको लगे आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखें कि उसमें इलास्टिसिटी आई है कि नहीं आई। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन थे कि रिबॉन्डिंग हम करते हैं तो हमारे बालों में कंघी नहीं होती। स्टार्टिंग के 10 मिनट बालों में कॉम नहीं होती, लेकिन आपको मेहनत करनी मुकम्मल। देखें कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। मैं इसको इमल्सिफाई करती रही हूँ, इसको हाथों के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेट करती रही हूँ, अगेन कंघी करती रही हूँ। कंघी के बाद फिर उसको चेक करती रही हूँ कि इसमें कितनी इलास्टिसिटी आई है। फिर हमने इनको एक स्ट्रेट चेयर पे बिठाया है और इनसे कहा है कि आप बिल्कुल अपना सर स्ट्रेट रखेंगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमें इस क्रीम को लगाए हुए आधा घंटा हो गया और आधे घंटे बाद अब यहाँ पे बाल इतना स्मूथ हो गया, बाल एक दूसरे के साथ उलझ नहीं रहा, छोटी कॉम के साथ भी इजीली कॉम हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे बाल रिबॉन्ड नहीं हुए। हमें अभी आधा घंटा गुजर गया, हमें इन पे टाइम लगा था 1 घंटा 25 मिनट लगे थे। आपने कभी भी इसमें टाइम नहीं नोट करना होता है, हर बालों की अलग कंडीशन होती है। किसी पे आपका आधा घंटा लगेगा, किसी पे 40 मिनट, किसी पे 50 मिनट, किसी पे आपका 1.25 घंटा भी लग सकता है। अब हमें यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो हम एक दफा चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, हल्की सी इसमें इलास्टिसिटी आ गई है। अभी ये प्रोसेस में है, अभी हमने इसको यहाँ पे वॉश नहीं करना। जो लोग कहते हैं हमारी रिबॉन्डिंग हमसे नहीं होती, रिबॉन्डिंग का रिजल्ट नहीं आता, वो यहाँ पे गलती करते हैं कि बस जब ऐसे खींचते हैं तो वो समझते हैं रिबॉन्डिंग हो गई है। हालांकि अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी प्रोसेस चल रहा है। रिबॉन्डिंग क्रीम लगाए हुए 15 मिनट गुजर जाए तो आप फैन या एसी ऑफ कर दें, क्योंकि जितनी हीट होगी इतना आपका प्रोसेस जल्दी होगा। आपने बालों की पहले भी कंडीशन देखी थी, अभी भी आप देख रहे हैं कि बालों का वेव बिल्कुल सीधा हो गया है। ठीक है, अब हम इनको 10 मिनट बाद इसको रिंस आउट कर देंगे। यहाँ पे अब हमें तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक करते हैं। आई होप के बालों में प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ देखें कि बाल खींच के जा रहा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो हल्का सा रिंग बन रहा है, यानी कि ये यहाँ पे आप देखें, आप लोग ना ध्यान से देखें, ये चीज होती है जब आप सही टाइम पे वॉश करते हो तो आपको 100% रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बस इसको 10 मिनट और चाहिए और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे 10-15 मिनट। हमारी फर्स्ट क्रीम का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम इसको वॉश करेंगे और वॉश सिंपल वाटर के साथ हम वॉश करेंगे। ना मैंने यहाँ पे कंडीशनर लगाया है, ना कोई मास्क लगाया है, ना कोई सीरम लगाया है। वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करेंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्राई करना है। ऐसे ड्राई आपने नहीं करना कि बाल नीचे से ऊपर डालें, आपने ऊपर से नीचे की तरफ 100% ड्राई करेंगे और 100% ड्राई करने के बाद हम 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद अब आपने यहाँ पे आयरन करना है, बालों को आयरन करना है। ये बहुत मेन मरहला है, जितना प्रोडक्ट का काम होता है इतना आपके आयरन का काम होता है। यहाँ पे जितना अच्छा आपका आयरन होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आपने छोटे छोटे से स्टैंड लेके आपने उसको 8 से 10 दफा करना है, जब तक बालों में एक शाइन नहीं आ जाती। जब आप स्ट्रेट कर रहे होते हो ना, आपको वो शाइन नजर आ जाती है, जब तक बालों में शाइन नहीं आ जाती आपने बालों को स्ट्रेट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रेटनर आप कौन सा यूज करती हैं रिबॉन्डिंग के दौरान। तो ये जो स्ट्रेटनर मैं दोनों यूज कर रही हूँ, ये सैलून डिजाइनर वालों के स्ट्रेटनर है। स्ट्रेटनर आप कोई भी प्रोफेशनल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो स्ट्रेटनर है ये सैलून डिजाइनर वालों के हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। आप अपने काम के हिसाब से आप स्ट्रेटनर ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही वाले स्ट्रेटनर परचेज करें। जो बाहर से लाट का माल आता है उसमें भी बाहर के अच्छे स्ट्रेटनर होते हैं, जो कि आपको 5 से 6,000 तक बहुत अच्छा स्ट्रेटनर मिल जाता है। पे आपने सारे बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है, सेम इसी तरीके से स्ट्रेट करना है जिस तरीके से आपको यहाँ पे शाइन नजर आ रही है। एक एक स्टैंड को आपने 8 से 10 दफा करना है और मुकम्मल सारे बालों को स्ट्रेट करके तकरीबन आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बालों को स्ट्रेट करते हुए। यहाँ पे स्ट्रेटनिंग आपकी नॉर्मल नहीं होती कि आपके पास जिस तरह नॉर्मल क्लाइंट आता है बालों को स्ट्रेट करते हुए, ये एक आपका रिबॉन्डिंग के प्रोसेस का हिस्सा होता है कि स्ट्रेटनिंग यहाँ पे आपने बहुत बेस्ट देनी है। और स्ट्रेटनिंग में जो हमारा टेम्परेचर था ना वो 230 था, दोनों स्ट्रेटनर को हमने 230 पे रख के बालों को स्ट्रेट किया है। और बालों को स्ट्रेट करने के बाद आपने फौरन से यहाँ पे फिक्सर नहीं लगाना, सेकंड क्रीम फौरन से नहीं लगानी, आपने 15 मिनट इन बालों को छोड़ देना है फैन चला के,
अगर एसी है तो एसी ऑन कर लें और आपने इन बालों को छोड़ देना है। समटाइम ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट करते साथ अगर फौरन सेकंड क्रीम जो कि न्यूट्रलाइजर है वो लगाएंगे तो आपके बाल एकदम से ऐसे झुलस के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जो फिक्सर होता है उसके अंदर हीट होती है। जब आप बालों को लगाते हैं ना तो आपको फील होता है, जो हमने बालों को स्ट्रेट किया है स्ट्रेट करके जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है फिक्सर उसको लॉक करता है। इसके बाद हम सेकंड क्रीम लगाएंगे जो कि न्यूट्रलाइजर होता है, लेकिन जो ब्रांड हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर न्यूट्रलाइजर नहीं लिखा हुआ। आपने दो नंबर से पहचान करनी है, इसके ऊपर सेम फर्स्ट की तरह ब्लू मोड सिल्की रिबॉन्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन जो दो नंबर है वो आपने यूज करना है। ये फिक्सर है, जैसे हमने बालों को स्ट्रेट किया है ना, ये इसी तरह हमारे बालों को यहाँ पे फिक्स कर देगा। उसके बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, फर्स्ट क्रीम में भी आपने ग्लव्स पहनने हैं, सेकंड में भी आपने ग्लव्स पहनने हैं। कई लोग सेकंड में ग्लव्स नहीं पहनते लेकिन पहनने चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स पहने और सेम जिस तरह फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की थी उसी तरीके से छोटे छोटे से स्टैंड लेके आप सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। ये सेकंड क्रीम जो कि फिक्सर है ये भी आपकी स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन करते हुए दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आपने एप्लीकेशन करनी है और कॉम के साथ फिक्सर को सारे बालों में स्प्रेड कर देना है ताकि हर बाल तक अच्छे से क्रीम पहुंच जाए। पार्टीशन करते जाना है और आपने न्यूट्रलाइजर लगाते जाना है और जितना टाइम आपने फर्स्ट क्रीम को रखा है, जैसे कि अब हमारी फर्स्ट क्रीम को टाइम लगा है एक घंटा तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं, तो हम न्यूट्रलाइजर को 40 मिनट रखेंगे। वैसे अगर न्यूट्रलाइजर में जब हीट खत्म हो जाती है ना, जब आप लगाते हैं तो आपको फील होता है कि हीट बालों के अंदर है न्यूट्रलाइजर लगाते हुए, तो जब इसके अंदर से हीट खत्म हो जाती है तो बस इसका काम कम्प्लीट हो जाता है। आप इसको उस टाइम भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा उसके फर्स्ट क्रीम के अकॉर्डिंग भी रखते हैं तो कोई इसका नुकसान नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट क्रीम को टाइम लगा है 60 मिनट तो आप इसको 30 मिनट रखेंगे, अगर फर्स्ट को 80 मिनट लगे हैं तो आप 40 मिनट रखेंगे। तो ये इसका तरीकाकार होता है सेकंड क्रीम का कि आपने इसको इतना टाइम देना है। समटाइम्स स्टाफ को पता नहीं क्या हो जाता है कि सीधी पार्टीशन नहीं देते, टेढ़ी पार्टीशन देते। तो एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपकी बिल्कुल जो मांग है ना वो वाजिया नजर आनी चाहिए ताकि आप इजीली एक इंच छोड़ के क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं। आपने हर एक बाल पे क्रीम को लगाना है और अपने हैंड के साथ अच्छे तरीके से एमल्सिफाई करते हुए कॉम के साथ फिर जो आपकी क्रीम है, जो आपकी ये न्यूट्रलाइजर है या आपकी फर्स्ट क्रीम है, तरीकाकार यही होता है, उसको आप स्प्रेड करें, उसके बाद मेल्सिफाई करें। ब्लेंडिंग की है आपके काम को बेहतर बनाने की। अब यहाँ पे देखें कि हमने फुल हेयर पे एप्लीकेशन कर ली है, आपको नजर आ रही है क्रीम। हमने क्रीम लगाने में भी आपने कंजूसी नहीं करनी, ना बहुत ज्यादा क्रीम लगानी होती है ना कम लगानी होती है। यहाँ पे आपको जितनी नजर आ रही है उसी तरीके से आपने लगाना है। न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपने बालों को कॉम कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप जो न्यूट्रलाइजर लगाएंगे ना आपने से पूछ लेना है कि वो बालों को किस तरफ रखती हैं, साइड मांग है उनकी, सेंटर मांग है, उस हिसाब से ही आपने न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद आपने क्लाइंट से कहना है कि आप सीधा बैठे हैं ताकि उनका बाल स्ट्रेट रहे और उसके बाद आपका जो टाइम है उसके बाद वॉश कर देंगे। ये पोस्ट कॉम प्रोफेशनल का रिवाइटलाइजिंग मास्क है, यहाँ पे मैं ये यूज करूंगी। आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं, बीमोड का भी यूज कर सकते हैं, आपके पास कोई भी अच्छा मास्क पड़ा हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हैं। हम इनको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम मास्क की एप्लीकेशन करेंगे और मास्क की एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है ये भी मैं आपको डिटेल से गाइड करती हूँ। आपने अच्छे तरीके से मास्क लगा के एक एक लेयर को अलग करके, जैसे कि ये फ्रंट की लेयर है तो इसको किस तरीके से मेल्सिफाई करना है ये आप देख रहे हैं। ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाया ताकि आपको मास्क लगाने का तरीका पता चले कि रिबॉन्डिंग के बाद जब आप सेकंड क्रीम वॉश करते हैं तो उसमें आपने मास्क की एप्लीकेशन कैसे करनी है। सेम इसी तरीके से आपने फुल हेयर पे एप्लीकेशन करनी है और एप्लीकेशन करने के बाद आपने 10 मिनट इसको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद आपने रिंस कर देना है। यहाँ पे वॉश करके हमने बालों को टॉवल ड्राई किया है और टॉवल ड्राई करने के बाद यहाँ पे हम बीमोड का सीरम लगा रहे हैं। आपके पास कोई भी सीरम है तो आप लगा सकते हैं। सीरम लगाने का तरीका आप देख लें, सीरम आपने ज्यादा नहीं लगाना, अकॉर्डिंग टू लेंथ सीरम लगाते हैं। अब यहाँ पे इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें 3 से 4 जो ड्रॉप थे वो काफी थे और इस हिसाब से हमने फुल हेयर पे सीरम लगाया। सीरम कभी भी ड्राई बालों पे नहीं लगाते, सीरम गीले बालों पे लगाते हैं। आपके 50% बाल गीले हों, 50% बाल ड्राई हों तब आपने सीरम लगाना होता है, या आपके बालों से पानी निकल ना रहा हो जस्ट टॉवल ड्राई हो तो तब भी आप सीरम लगा सकते हैं। सीरम लगाने के बाद हम अच्छे से मेल्सिफाई करेंगे। ये टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से आप काम करते हो। आप देख रहे हो कि मुसलसल मैं बालों के साथ बालों को मेल्सिफाई कर रही हूँ, बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, दोनों हैंड्स के साथ ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे क्यूटिकल्स की तरतीब होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ये टेल कॉम्ब है, जब हम सीरम लगा लेते हैं तो इसके साथ जब हम कंघी करते हैं तो वो हमारे हर एक बाल तक सीरम
चला जाता है। अब देखें यहाँ पे कि ये जब आप बालों का वॉश करते हो ना, सेकंड वॉश न्यूट्रलाइजर के बाद जब आप वॉश करते हो, तो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि आपका काम कैसा हुआ। यहाँ पे बाल इतने ज्यादा स्मूद हैं, इनमें कोई भी वेव नहीं है, बिल्कुल बाल सीधा है। अपने बालों को 100% ड्राई कर लेना है, और ड्राई किस तरीके से करना है आप लोग देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हवा लाते हुए, ना ज्यादा गर्म हवा है ना ज्यादा ठंडी हवा है। देखें ये बाल हमारे तकरीबन 80-90% बाल ड्राई हो गए हैं, और यहाँ पे आप रिजल्ट देख। अब बालों की पहले कंडीशन कैसी थी, बालों के अंदर कितना ज्यादा वेव था, वो कंडीशन भी आपने देखी है, और ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बालों को अभी स्ट्रेट नहीं किया, आयरन नहीं किया। आयरन करने के बगैर ही बाल बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, शाइन और बिल्कुल स्ट्रेट बाल है। लेकिन हम आयरन इस वजह से करते हैं क्योंकि ये ऐसा समझे कि हमने ये बालों का ऑपरेट है, जैसे कि आप किसी भी चीज का ऑपरेट करवाते हैं तो आपको आफ्टर प्रिकॉशंस 3-4 दिन के लिए एहतियात आपको डॉक्टर देते हैं। यही चीज है कि रिबॉन्डिंग के बाद जो हम प्रिकॉशंस देते हैं कि 32 आवर्स आपने पानी नहीं लगानी, कैचर नहीं लगाना, आपने बाल गीले नहीं करने, क्योंकि बालों के अंदर वो जान होती है। इस वजह से हम स्ट्रेट करके भेजते हैं उनका मजीद अच्छा रिजल्ट के लिए, ताकि वो मजीद अच्छे तरीके से वहां पे लॉक हो जाएं। ये जो 3 दिन हम बालों की एहतियात के लिए कहते हैं ना, इसी वजह से कहते हैं कि 3 दिन में बाल बिल्कुल अपनी असली हालत में, जैसे हम सेट करते हैं करके भेजते हैं, जैसे अभी आयरन करके भेजेंगे, बिल्कुल बाल बाद में भी वैसे ही रहेगा। सेकेंड वॉश के बाद आपको अपना रिजल्ट खुद ही पता चल जाता है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है। आप लोग भी देख सकते हैं कि बगैर स्ट्रेट किए हमारा कितना अच्छा रिजल्ट था। इसको हम हल्का सा फिनिशिंग के लिए स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट के बाद आप नीचे से बालों को बराबर कर लें, और ये फाइनल लुक है। फाइनल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों की टेक्निक कैसी लगी, आप लोगों को काम कैसा लगा, जरूर अपना फीडबैक दिया करें। आप लोग जब कमेंट्स में बताते हैं, लाइक करते हैं, तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारा काम कैसा लगा, तो फिर हमारा दिल करता है कि आप लोगों के लिए मजीद अच्छी अच्छी और वीडियोज लेके आए जो कि इन्फॉर्मेटिव हो और आपके काम को अच्छा बनाए, और बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो कि आप लोगों को नहीं पता होती, कि छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती, तो ये हमें आपके लाइक से पता चलता है, आपके अच्छे कमेंट से पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।